विजय बन चुके, आप अयोध्या में हैं, राम मंदिर बन रहा है, आप कैसा लग रहा है? बड़े अच्छे समय पे आप। देखिए, अयोध्या भगवान राम की नगरी है जी, जी। और हम भगवान राम की नगरी में आकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार को, देश की सरकार को भगवान सद्बुद्धि दें, 85 लाख जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनका भला हो, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो, इसीलिए अयोध्या आना हुआ है। और अयोध्या क्योंकि एक पवित्र नगरी है तो और वर्तमान सरकार के लिए बहुत विशेष है, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं प्रार्थना करने हैं, प्रभु राम उन्हें बुद्धि दें, हम लोगों की बुढ़ापा सुरक्षित हो, ये अयोध्या नगरी का है। क्या आप मानते हैं कि 2024 में आर पार की लड़ाई होने जा रही है? देखिए, यात्रा अगर निकल गई है तो मतलब आप जान लो आर पार है जी, जी, जी। यात्रा अगर देशव्यापी निकली है तो आर पार है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम ये कदम जो बढ़ा दिए हैं, पुरानी पेंशन बहाली के बाद ही रुकेगा, तरीके अलग अलग होंगे, चरण अलग अलग होंगे, लेकिन आंदोलन अनवरत चलेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाली ही एकमात्र लक्ष्य। विजय बंधु पेंशन रथ यात्रा का श्री राम नगरी अयोध्या में भव्य हुआ स्वागत। यह रथ यात्रा मुख्य रूप से 1 जून 2023 को चंपारण बिहार से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए 30 जून तक पूरे देश का भ्रमण करेगी। इसी क्रम में यात्रा की औपचारिक शुरुआत करने हेतु चंपारण जाते हुए पेंशन रथ यात्रा टीम के साथ NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु प्रातः 10:30 बजे अयोध्या की पावन धरती पर पहुँचे। अटेवा जिला अयोध्या टीम द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पेंशन यात्रा टीम सहित स्थानीय अयोध्या किचन रेस्टोरेंट नाका बाईपास पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए कर्मचारी एवं शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाल करो और NPS गो बैक के नारे के साथ पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष का तन मन धन के साथ सहयोग देने का वादा किया। स्वागत कार्यक्रम में अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा एवं बलरामपुर के पदाधिकारियों के अतिरिक्त अयोध्या के PWD संघ, सफाई कर्मचारी संघ, सिंचाई संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ आदि के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। स्वागत स्थल पर पेंशन रथ पहुँचते ही वहाँ उपस्थित सदस्यों का उत्साह दोगुना हो गया। उन्होंने नारे एवं तालियों के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु एवं उनकी यात्रा टीम का स्वागत किया तथा यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। स्वागत समारोह कार्यक्रम का संचालन करते हुए अटेवा अयोध्या के जनपद महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस पेंशन रथ यात्रा हेतु अध्यक्ष विजय कुमार बंधु सहित पूरी यात्रा टीम का स्वागत किया और पुरानी पेंशन रथ यात्रा के सफल होने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पुरानी पेंशन रथ यात्रा की अगुवाई करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि यह यात्रा देश के कोने कोने में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन का अलग जगाते हुए आगे बढ़ेगी। देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षकों और कर्मचारियों को सहयोग से हम 5 राज्यों में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, वैसे ही पूरे देश में पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अटेवा मंडल महामंत्री श्री संदीप यादव, जिला उपाध्यक्ष अनुज सिंह, जिला IT सेल प्रभारी रुद्र नारायण पांडे, रामजी द्विवेदी, विपिन पांडे, इमरान खान, अनिल पांडे, हृदय राम अखिलेश यादव, PWD के श्री रामलाल अवधेश यादव, श्री कश्यप, सफाई कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष श्री राकेश गौतम, शिक्षक संघ के JP मौर्य, पवन यादव, दिनेश चंद्र, दल सिंगार, अरविंद सिंह, जगदीश वर्मा आदि उपस्थित रहे। टीम अटेवा अयोध्या के पदाधिकारियों ने स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं संगठनों का आभार व्यक्त किया। जिंदाबाद, 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 जय अटेवा, जय जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राम मंदिर बन रहा है, आप कैसा लग रहा है? बड़े अच्छे समय पे आप। देखिए, अयोध्या भगवान राम की नगरी है जी, जी। और हम भगवान राम की नगरी में आकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार को, देश की सरकार को भगवान सद्बुद्धि दें,
85 लाख जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनका भला हो, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो, इसीलिए अयोध्या आना हुआ है। और अयोध्या क्योंकि एक पवित्र नगरी है तो और वर्तमान सरकार के लिए बहुत विशेष है, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं प्रार्थना करने हैं। प्रभु राम उन्हें बुद्धि दें, हम लोगों की बुढ़ापा सुरक्षित हो, ये अयोध्या नगरी का है। क्या आप मानते हैं कि 2024 में आर पार की लड़ाई होने जा रही है? देखिए, यात्रा अगर निकल गई है तो मतलब आप जान लो आर पार है। जी जी, यात्रा अगर देशव्यापी निकली है तो आर पार है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम ये कदम जो बढ़ा दिए हैं पुरानी पेंशन बहाली के बाद ही रुकेगा, तरीके अलग अलग होंगे, चरण अलग अलग होंगे, लेकिन आंदोलन अनवरत चलेगा जब तक पेंशन बहाल नहीं हो जाती। यात्रा को सफल बनाइए, घर घर ले जाइए ये लड़ाई पुरानी पेंशन से हमारा भविष्य खराब हुआ है और निजीकरण से नौजवानों का वर्तमान खराब हुआ है। इसके खिलाफ क्या बात है, ये हुई बात, तालियां गाएंगे।